Hi guys, welcome back to the channel guys and you watching Deep Creation and I am Devanshu Dixit. Let's start this vlog. तो आज का ब्लॉग जो बेस है जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल्स में हमेशा की तरह इस बार भी पहचान ही लिया होगा कि हमारी सुजुकी एक्सेस पे कुछ काम होने वाला है और काम कहाँ से होने वाला है काम होने वाला है विकी भाई के पास से और जितना भी इसमें अब काम होने वाला है वो सब कुछ विकी भाई की तरफ से होने वाला है तो विकी भाई की तरफ से मतलब कि उनके हाथों से होने वाला है ना कि विकी भाई का कोई स्पॉन्सर है ना कुछ ऐसा कुछ नहीं है और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक शॉप है पीछे मेरे तो कार एक्सेसरीज की शॉप है इसके पास ही विकी भाई ने एक दूसरी शॉप कर लिया तो यहाँ पे अभी हमारी एक्सेस का कुछ सामान वगैरह उतरना स्टार्ट हो चुका है तो आगे आप देखोगे कि किस तरीके से इस बार मैंने कुछ रोड लीगल रखने की कोशिश की है कि अगर मैं कुछ काम करवा रहा हूँ तो वो लीगल रहना चाहिए ताकि किसी पुलिस वालों की या किसी और तरीके से मेरे को या किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप भी मेरी वीडियो देखने के बाद ऐसा कुछ काम करवा रहे हैं तो वैसे तो जो काम हो जाएगा तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि किस तरीके की अगर मेरे को फ्यूचर प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई तो जो भी कुछ होगा वो आपको पता लग ही जाएगा इस चैनल पे तो इसीलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब वीडियो कर दीजिए लाइक और कमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो क्योंकि कमेंट में ही आप मेरे को बताते हो कि किस तरीके से मेरे को आगे का कंटेंट क्या क्या रखना चाहिए और क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो काफ़ी टाइम के बाद आज हम आ गए विकी भाई के पास तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी किस तरीके की कंडीशन है और क्या क्या चीज़ में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्या चीज़ हम करने वाले हैं तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कार एक्सेसरीज की शॉप है और यहीं बिल्कुल सामने विकी भाई की शॉप है तो अभी आप देख सकते हो सुजुकी एक्सेस ये मेरी 2019 मॉडल है जैसे कि आपने अगर लास्ट वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इसमें क्या काम हुआ था और अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो ये वाली रैपिंग भी यहीं से हुई थी इन्हीं भाई से हुई थी विकी भाई से और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमने ना यहाँ पे इस बार ये भी उतरवा दिए तो इस पर भी कुछ पेंट करने के बारे में सोचा है यहाँ पे जितने भी सिल्वर पार्ट होते हैं उन सब पे पेंट होने वाला है मतलब जो क्रोम पार्ट होते हैं हमारे तो सिल्वर कलर की ये दिखती है और सिल्वर कलर की स्कूटी पे अभी हम कुछ ऐसा रैप करने वाले हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीपीएफ वाली जो हमारी लैमिनेशन होती है ये भी यहाँ पे हो रही है तो ये शेखर भाई हैं ये भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं यहाँ पे ही और विकी भाई और ये दोनों साथ में पार्टनर है तो दोनों ही साथ में यहाँ पे काम करते हैं तो आपको यहाँ पे आने के बाद देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक आई है ये अभी स्प्लेंडर आप देख सकते हो ये तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी बाइक है लोगों की सबको ही पसंद आती है हमेशा और यहाँ पे हमारी स्कूटी का काम स्टार्ट हो चुका है तो आप देख सकते हो अभी इसकी कुछ इस ऐसी लुक है इन अभी जो हम इसको कर देंगे ना काम तो इसमें सभी चीज़ आपको ऑलमोस्ट चेंज दिखेगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस बार प्लान्ड है और कुछ जैसे ब्लैक था ना इस बार हम ब्लैक नहीं करेंगे कुछ ऐसा नहीं दिखाएंगे कि अलग लगे बट फिर भी कुछ अलग होगा क्योंकि कुछ अलग ही दिखने वाली है उसके बाद भी कुछ ऐसा टोन मारने वाली है पूरी स्कूटी और काफ़ी सारी जगह हम इसको ब्लैक पेंट कर देंगे तो देखते किस तरीके से काम होने वाला है तो आप सिनेमैटिक में जल्दी से देख लीजिए और बाकी फिर कुछ सिनेमैटिक छोड़ जाएंगे पूरी स्कूटी के कि किस तरीके से स्कूटी दिख रही है सो गाइस यहाँ पे आप देखो पूरी स्कूटी ऑलमोस्ट खुल चुकी है और देखो जो मैं इंडिकेटर चेंज करने के लिए गया था उसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिकेटर के अंदर के कुछ जो नक्के होते हैं वो टूट चुके हैं तो नए वाली जो एक्सेस पे आते हैं वाले नक्के लगवाने की वही इंडिकेटर लगवाने की सोच रहा हूँ तो आप देख सकते हो अभी ये सारी ही रैप चेंज होने वाली है हमने जो डिज़ाइन बनवाया था लास्ट टाइम ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो इस बार ये भी चेंज करने वाले हैं और आगे का भी डिज़ाइन चेंज हो जाएगा और अभी कुछ पार्ट पेंट होने वाले हैं जैसे कि हमारे दोनों अलॉय पेंट होंगे अलॉय नहीं सॉरी ये जो स्टील रिम्स है वो हमारे पेंट हो जाएंगे और कुछ जो मैंने बताया था जैसे कि इसके यहाँ पे एक्सेस का जो नाम था और सुजुकी का जो लोगो था वो पेंट हो जाएगा और कुछ चीज़ें और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ ऐसी है जो पेंट हो सकती है तो जिस पर भी हमें पेंट है पीछे का जो ये हैंडरेस्ट होता है इसको भी मैं ब्लैक जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था तो वो भी पेंट हो जाएगा तो देखते हैं कि किस तरीके से काम होगा आगे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से भी स्कूटी गिर गई थी तो यहाँ पे भी कुछ स्क्रैच लग गया था बहुत ज़्यादा तो इस पर भी हम देखते हैं अभी कुछ चीज़ करेंगे या तो रैप होगी या फिर पेंट कर देंगे तो देखते हैं क्या होने वाला है इस पर तो देखो किस तरीके का ये डैमेज था सो गाइज आप देख सकते हो ये 2019 मॉडल है जो बिल्कुल स्टॉक कुछ इस तरीके का दिखता है कि सिल्वर बिल्कुल सिंपल बट जब इस पर अभी रैप हो जाएगी ना तो रैप होने के बाद आपको एक अलग ही लुक दिखेगी इस पर किस तरीके की लुक आने वाली है और विकी भाई भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और मुझे भी लगता है कि क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है वो रैप जो हम इस पर करवाने वाले हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से काम होने वाला है और किस तरीके का लुक निकल करके आएगा क्योंकि जो मैंने इमेजिन किया है ना कि उस रैप को कराने के बाद पूरा ब्लैक के साथ वो रैप हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है तो दिखाते हैं आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के बाद कि किस तरीके से काम हो रहा है सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम ये दो कैन लेकर के आए हैं और दो कैन में ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो जाना चाहिए तो देखते हैं अगर इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लगती है तो मैं आपको वो बता दूंगा अभी वीडियो के अंदर ही
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No. Know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fate. Yeah. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn. तो गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ से, देखो ये पार्ट टूटा हुआ है। तो रैपिंग का ये भी एक फ़ायदा होता है कि अगर आप रैप लगवा लेते हैं तो रैप लगने के बाद यहाँ से ये पार्ट देखो किस तरीके से अभी छुप जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। सो गाइस देखो ये वही पैनल है जो भी आपको मैंने दिखाया था कि देखो किस तरीके से रैप के बाद कितना हद तक ये छुप जाता है। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो इसमें बिल्कुल पता नहीं लगेगा आपको लगने के बाद कि ये कहीं से टूटा हुआ था। और बिल्कुल पास से जब देखते हैं तो ऐसा कुछ पता लगता है। तो आप देख सकते हैं कि रैपिंग का ये भी एक फ़ायदा है। सो गाइस अभी तक आपने देखा कि सिनेमैटिक शॉर्ट्स किस तरीके के थे और आपको होप्सो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। और अब विकी भाई बताएंगे कि किस तरीके से रैप का मतलब क्या प्राइस पड़ता है और ये कि कितना टाइम इसमें लगने वाला है। क्योंकि ये रैप हुई थी कल, ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, मैं एंड करने के लिए आज दोबारा आया हूँ यहाँ पर। और चलो विकी भाई से पूछते हैं कितना टाइम लगने वाला और कितने पैसे इस पर खर्च होते हैं ऐसा काम करवाने के लिए। तो गाइस काम कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो किस तरीके की लुक है। तो अब विकी भाई से हम पूछ लेते हैं कि किस तरीके से क्या काम हुआ है इसके अंदर और क्या इस रैप का नाम क्या था, पहले तो ये बताओ आप। 70 क्रोम बोलते हैं इसमें। आप देख सकते हो कुछ अलग ही तरीके के रिफ्लेक्ट मारता है ये, रेनबो टाइप का, 6-7 कलर का। तो भाई इसमें कितना खर्चा आ जाता है और कितना टाइम लगता है इस रैप को करने में? गाड़ी का हिसाब है, कम से कम 2500 रुपये एक गाड़ी का। और टाइम कितना लग जाता है इस रैप को करने में? 3-4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 3-4 घंटे का टाइम लेकर के आए। तो भैया अब थोड़ा सा ना आप ये बता दो कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आ सकते हो, कि आपने पहले शॉप कहीं और थी और अब आप इस जगह आ गए हो, तो इसका एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर दोनों ही चीज़ लोगों को बता दीजिए। आर्य समार रोड पे पहले कट पे है, बिल्लू हलवाई के सामने वाली 18 नंबर के लिए कोने पे। तो ये है विकी भाई। और विकी भाई एक बार अपना नंबर बता दीजिए। 9582864772। तो इनके साथ अभी एक भाई और हैं शेखर भाई, जो आपने वीडियो में देखे थे, वो भी यही काम करता है, इनके साथ पार्टनर है हूँ। और आप देख सकते हो किस तरीके का काम हुआ है। तो आप आ सकते हो
तो इसी करते हैं वीडियो को हम एंड इस पॉइंट तक। और आप देख सकते हो लुक तो अल्टीमेट आ रही है, इन फ्यूचर आपको यही रैप दिखने वाली है एक्सेस पे, और आगे जो भी चीज़ होगी वो शेयर मैं आपको कर ही दूंगा इसका रिस्पॉन्स। तो इसे करते हैं हम वीडियो को एंड।